प्रश्न 21 का पहला समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों के उनियन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है समान ऊंचाई के दो खंभे, समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितना मीटर की दूरी पर? 64 मीटर की दूरी पर। तो मान लेते हैं कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो खंभे हैं, ए बी और सी डी दो खंभे हैं जो कि एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 64 मीटर। यानी इन दोनों के बीच की दूरी है 64 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे है बिंदु, ठीक है, यहाँ पे है बिंदु, तो इस बिंदु का हम नाम देते हैं कोई M, तो M नाम देते हैं इस बिंदु को। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो देखिए ये जो उन्नयन कोण है इसको मिला देते हैं, इस तरह से इसको मिला देंगे, तो कह रहा है कितना डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है? 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है यहां पे, और इस खंभे का उन्नयन कोण है यहां से 60 डिग्री। तो इस तरह से पहले हम इसका चित्र बना लेंगे। तो समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी ए बी और सी डी का ऊंचाई जो है बराबर है, ठीक है, क्योंकि समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए इस बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण कितना है? क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी इस खंभे का, ए बी खंभे का उन्नयन कोण है 30 डिग्री और इस सी डी खंभे का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। और पूछ रहा है तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हम मान लेंगे कि इसका ऊंचाई है x मीटर, तो इसका भी ऊंचाई x मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ऊंचाई क्या है? बराबर है। तो हम मान लेंगे कि ए बी का ऊंचाई है x मीटर और सी डी का ऊंचाई है x मीटर, क्योंकि दोनों खंभा क्या है? बराबर है। तो x मान लेंगे दोनों को, और यहां से यहां तक की दूरी को हम मान लेते हैं 22 मीटर। क्या मान लेते हैं? 22 मीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा? 64 माइनस 22 मीटर, क्योंकि ये पूरा है 64 मीटर, यानी दोनों खंभों के बीच की दूरी है 64 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि जहां से उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, जिस बिंदु से, यानी बिंदु M है यहां पे, जहां से 30 डिग्री का उन्नयन कोण हो रहा है ए बी खंभे का, तो उसको हम मान लेते हैं 22 मीटर है, यानी बी एम का दूरी 22 मीटर मान लेते हैं। तो एम डी, एम डी का दूरी कितना हो जाएगा? तो पूरा है 64 मीटर, ये दिया हुआ है प्रश्न में, यानी बी से डी तक का दूरी है 64 मीटर और इसको मान लिए हैं 22 मीटर। तो एम से डी तक का दूरी कितना हो जाएगा? 64 माइनस 22, यानी 64 में से 22 को घटा देंगे
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी एम डी आ जाएगा। तो इस तरह हम पहले मान लेंगे। अब लिखेंगे, माना कि खंभों की ऊंचाई खंभों की ऊंचाई बराबर x मीटर। हम क्या मान लेंगे कि खंभों की ऊंचाई है x मीटर, कॉमा BM बराबर मान लेंगे बाई मीटर, BM बराबर बाई मीटर, कॉमा MD या DM, DM बराबर मान लेंगे, तो DM कितना हो जाएगा 64 माइनस बाई मीटर। तो खंभों की ऊंचाई को हम x मीटर मान लेंगे, ये दोनों जो खंभा है दोनों समान ऊंचाई का है उसको हम x मीटर मान लेंगे। तो खंभों की ऊंचाई बराबर x मीटर, BM बराबर बाई मीटर माने हैं और DM बराबर 64 माइनस बाई मीटर हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो अब इस त्रिभुज में देखिए खंभा जो है धरती से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, खंभा जो है धरती से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन, समकोण त्रिभुज ABM और समकोण त्रिभुज CDM। तो इस समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो यहाँ पे AM कौन है, ये AM जो है कर्ण है यहाँ पे। इस कोण के लिए, कोण 30 डिग्री के लिए AB हो गया लंब और BM हो गया ऊंचाई, ये माफ कीजिए आधार। तो कोण 30 डिग्री के लिए AB क्या हो गया, लंब हो गया और BM हो गया आधार। तो हम यहाँ पे लंब बटा आधार लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्योंकि लंब हमें निकालना है, AB निकालना है और BM हम माने हैं बाई मीटर, ठीक है। तो लंब बटा आधार किस में होता है, तो लंब और आधार का संबंध इसमें लगाएंगे, जो कि होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी AB बटा BM। तो लिखेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BM। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए tan 30 डिग्री बराबर सबसे पहले हम लिख लेंगे AB बटा BM। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर, अब AB कितना माने थे, x मीटर। देखिए AB कितना माने थे, x मीटर, तो AB की जगह पे क्या लिख देंगे, x, और BM को कितना माने थे, बाई मीटर। देखिए BM को, तो BM की जगह पे लिख देंगे बाई। तो यहाँ पे लिखेंगे, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर, AB कितना माने थे, x, और BM बाई, तो x बटा बाई लिख देंगे, यानी लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी AB बटा BM, जो कि हो जाएगा x बटा बाई। अब इसको हम इस तरह लिख लेंगे, अतः बाई बराबर कितना हो जाएगा, तो तिरछा गुना होता है, तो बाई को एक से गुना करेंगे, बाई को एक से गुना करेंगे तो बाई, और x गुना √3 कितना हो जाएगा, √3x। तो बाई बराबर कितना हो गया, √3x। इसको हम पहला लिख लेंगे,
वाई बराबर रूट तीन एक्स को पहला लिख लेंगे, अब लिखेंगे, अब हम दूसरा त्रिभुज में यानी दूसरा समकोण त्रिभुज में इसमें आएंगे। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। CDM क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, यानी CM है कर्ण यहां पे, और कोण 60 डिग्री के लिए CD क्या है, लंब है, और DM क्या है, आधार है। तो लंब हमें निकालना है, DM कितना माने हैं, 64 माइनस 22 मीटर, ठीक है, 64 माइनस 22 मीटर, क्योंकि पूरा दिया हुआ था 64 और इसको 22 माने थे, तो ये कितना हो जाएगा, DM 64 माइनस 22, ठीक है। देखिए पूरा यानी दोनों खंभों के बीच की दूरी 64 मीटर दिया हुआ है, बी से एम को हम 22 मीटर माने हैं, तो एम से डी के बीच में दूरी कितना हो जाएगा, 64 माइनस 22। तो यहाँ पे लंब हमें निकालना है, आधार 64 माइनस 22 मीटर है, ठीक है। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है, टेन थीटा में, तो टेन थीटा बराबर हम लिखेंगे लंब बटा आधार, यानी सी डी बटा डी एम। तो थीटा के जगह पे क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री, तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब कौन है, सी डी, तो लंब बटा आधार, आधार कौन है, डीएम। तो टेन 60 डिग्री बराबर लिख लेंगे लंब बटा आधार, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट तीन, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट तीन। तो लिख देंगे रूट तीन बराबर सी डी, सी डी कितना है, सी डी को हम एक्स माने हैं, खंभा की ऊंचाई है सी डी, और डी एम, डी एम कितना है, 64 माइनस बाई। तो इस तरह लिख लेंगे, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या रूट तीन बराबर एक्स बटा 64 माइनस बाई। सी डी को एक्स मीटर माने हैं और डीएम कितना है, 64 माइनस बाई, यानी एक्स बटा 64 माइनस बाई लिख देंगे, यानी सी डी बटा डीएम को क्या लिखेंगे, एक्स बटा 64 माइनस बाई। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बराबर में है तो तिरछा गुना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट तीन गुना 64 माइनस बाई बराबर एक्स, इस तरह से हो जाएगा, रूट तीन 64 माइनस बाई के साथ गुना हो जाएगा, तिरछा गुना होगा क्योंकि बराबर में है। तो यहाँ पे 64 माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बटा रूट तीन, रूट तीन गुना में है, 64 माइनस बाई के साथ रूट तीन क्या है, गुना में है, तो रूट तीन को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी एक्स बटा रूट तीन लिख लेंगे, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, अतः बाई बराबर हो जाएगा 64 माइनस एक्स बटा रूट तीन, और इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो ये कैसे होगा, देखिए माइनस बाई को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो प्लस बाई में हो जाएगा, इस तरफ लाएंगे तो, और एक्स बटा रूट तीन को दायां से बायां तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी बाई बराबर कितना हो जाएगा, 64 माइनस एक्स बटा रूट तीन। तो माइनस बाई को बायां से दायां तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और एक्स बटा रूट तीन को दायां से बायां तरफ लाएंगे तो 64 माइनस एक्स बटा रूट तीन हो जाएगा, ठीक है, यानी बाई बराबर कितना हो गया, 64 माइनस एक्स बटा रूट तीन। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब पहला कितना आया था, तो देखिए पहला में आया था बाई बराबर रूट तीन एक्स,
तो ये भी बाई के बराबर है, बाई बराबर कितना आया था रूट तीन एक्स, और दूसरा में आ गया बाई बराबर 64 माइनस एक्स बटा रूट तीन, तो दोनों बाई के बराबर है, तो दोनों को आपस में भी बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे अब पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, तो पहला में बाई बराबर कितना आया था रूट तीन एक्स, तो रूट तीन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो 64 माइनस एक्स बटा रूट तीन के बराबर। तो पहला में जो बाई बराबर आया था रूट तीन एक्स, और दूसरा में देखिए कितना आ गया बाई बराबर 64 माइनस एक्स बटा रूट तीन, तो दोनों बाई के बराबर है, तो दोनों आपस में भी बराबर हो जाएगा, तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो लिखेंगे यहाँ पे रूट तीन एक्स, रूट तीन एक्स प्लस एक्स बटा रूट तीन बराबर 64। देखिए माइनस एक्स बटा रूट तीन को दायां से बायां तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको हम इधर लाए हैं तो प्लस में हो जाएगा, यानी बराबर के बायां तरफ, इस तरह से। अब यहाँ पे रूट तीन लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है, रूट तीन लघुत्तम लेंगे, तो देखिए रूट तीन जब लघुत्तम हम ले लेंगे, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो एक है, तो रूट तीन इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी तीन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे रूट तीन गुना रूट तीन क्या हो जाएगा, तीन और तीन एक्स, एक से साथ में, तो तीन एक्स लिख देंगे, क्योंकि रूट तीन लघुत्तम लिए हैं तो इसके नीचे, यानी बटा में कुछ नहीं है तो एक है, तो रूट तीन इसके साथ गुना हो जाएगा, तो रूट तीन गुना रूट तीन हो जाएगा तीन और एक्स, यानी तीन एक्स प्लस यहाँ पे क्या है एक्स है, तो एक्स लिख लेंगे बराबर 64, बराबर 64 लिख लेंगे। अब यहाँ पे अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तीन एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 4x, यानी 4x बटा रूट तीन बराबर 64, 4x बटा रूट तीन बराबर 64 लिख लेंगे, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा 64 रूट तीन, 64 रूट तीन, रूट तीन को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, अतः x बराबर क्या हो जाएगा 64 रूट तीन बटा चार, चार यहाँ पे गुना में है x के साथ बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो चार से इसको काट देंगे, चार से कट जाएगा कितना बार में, तो 16 बार में, 16 चौक 64 होता है, तो इसको हम 16 बार में काट देंगे, 16 चौक 64, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 16 रूट तीन, एक्स बराबर कितना आ गया 16 रूट तीन। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, तो खंभों की ऊंचाई को हम x माने थे, तो खंभों की ऊंचाई क्या आ गया है 16 रूट तीन। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः खंभों की ऊंचाई, क्या पूछ रहा था, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 16 रूट तीन मीटर। एक्स मीटर माने थे हम खंभों की ऊंचाई को, क्या माने थे एक्स मीटर माने थे, देखिए खंभों की ऊंचाई बराबर एक्स मीटर माने थे, तो कितना आ गया 16 रूट तीन आ गया एक्स बराबर, तो खंभों की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 16 रूट तीन मीटर कॉमा 16 रूट तीन मीटर। तो दोनों खंभा का बराबर ऊंचाई है, तो दो खंभा है, दोनों खंभा का ऊंचाई हम एक्स मीटर माने थे, दोनों खंभों की ऊंचाई को एक्स मीटर माने थे, तो खंभों की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 16 रूट तीन मीटर कॉमा 16 रूट तीन मीटर,
क्योंकि दोनों खंभा जो है समान ऊंचाई का है, ठीक है, तो दोनों का ऊंचाई बराबर होगा, यानी 16√3 मीटर पहले खंभा का होगा और दूसरा खंभा का भी 16√3 मीटर होगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो खंभा कौन कौन है, ए बी और सी डी, दोनों का ऊंचाई बराबर है, तो दोनों को एक्स माने थे, एक्स मीटर, तो अगर ये, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 16√3 मीटर, यानी ये जो खंभा है 16√3 मीटर का है और ये भी खंभा 16√3 मीटर का है।